बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक यही है 2.1.2 एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट कैरियिंग। यहां पर एग्जांपल्स करने से पहले आप जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर मैं कुछ डिटेल से आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी बुक के ऊपर डिफरेंट डिजिट नंबर्स की जो है वो एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक चीज देखनी है। आपको मैंने बताया था कि एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग। यहां पर हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स आपने देखने हैं। आपके पास वन डिजिट नंबर्स होंगे, टू गिवन वन डिजिट नंबर्स हो सकते हैं, वन डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर्स के साथ ऐड करना हो सकता है, टू डिजिट नंबर्स को टू डिजिट्स के साथ ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उनको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू देखें। जरा मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इनको ऐड करते हैं। आपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं, समटाइम हम लोग अपनी फिंगर्स यूज करते हैं हाथों की, और या फिर हम लोग लाइंस के थ्रू ऐड करने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस बना लेते हैं अपने रफ पेज के ऊपर या नोटबुक के पेज के ऊपर, और फिर हम लोग उनको ऐड करते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है, एग्जाम्पल है, देखें तो एग्जाम्पल कौन सी है, एड 3, 2, 5, ये भी वन डिजिट नंबर है, ये भी वन डिजिट नंबर है। अगर हम लोग यहां पर वर्ड, एक चीज आपने याद रखनी है, यहां पर वर्ड ये आ जाए, एड फाइंड सम या फिर इस तरह ऑल टूगेदर या टोटल, टोटल फाइंड करना या फाइंड टोटल, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, उनका मतलब होता है कि उन क्वेश्चंस में आपने एडिशन करनी है। अब यहां पर देखें मैंने क्या लिखा है, एड 3 to 5 मींस के ये आपके पास ये नंबर भी वन डिजिट है और ये भी वन डिजिट है, तो इनको दो तरह से आप कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन, दूसरा होता है वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। हॉरिजेंटल में हम लोग किस तरह राइट करते हैं, हॉरिजेंटल में इस तरह राइट होगा 3 + 5, और अगर वर्टिकल में राइट करें 3 + 5। अब आपके पास ये भी वन डिजिट है और ये भी वन डिजिट है। वन डिजिट का मतलब है कि सारे के सारे वंस प्लेस के ऊपर होते हैं। वंस प्लेस का मतलब है कि इनको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लें, वंस वंस। अब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या चीज सीखी थी, जब आप यूनिट वन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने यह चीज देखी थी कि आपके पास 5 circles होंगे ऑफ वंस, ये 5 circles हैं, 1, 1, 1, 1, 1 एंड देन ये कितने हैं, 3 थे, 3 circles ऑफ वंस, मींस के बिटवीन प्लस का साइन है ये। तो जब हम लोग इनको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या चीज बनती है, 5 circles + 3 circles, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मींस के टोटल सर्कल्स आपके पास क्या बन, कितने बन गए, 8 वंस वाले, 1, 2, ये 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1, ये टोटल आपके पास से 8 circles बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को इस तरह करूं, यहां पर मैं राइट कर देता हूं 3 + 5, अब तो सर्कल्स के थ्रू कितने सर्कल्स थे, तो यहां पर आपके पास 8 आ जाएगा।
तो सिंपली हम लोग यह चीज यूज करते हैं, यह वाला जो मेथड यूज होता है यह हमारे पास किस लिए होता है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करते हैं कि पहला नंबर लेते हैं थ्री, थ्री को राइट किया, देखें थ्री उसके बाद नंबर कौन सा है फाइव, थ्री के बाद ऐड करना शुरू करें थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यहां पर आपने फिंगर्स के थ्रू ऐड करना शुरू किया, देखें कि आपके पास फाइव फिंगर्स फाइव एंड प्लस थ्री, इस तरह काउंट कर लें कि अब काउंट करें कितनी बनती हैं, थ्री दीज एंड फाइव दीज, तो आपके पास टोटल कितनी होगी एट, तो इसी तरह आपके पास थ्री प्लस फाइव एट थ्रू फिंगर्स के थ्रू। अगर आप लाइंस लगा रहे हैं तो लाइंस कैसे लगाएंगे, पहले आप थ्री लाइंस के साथ करें वन टू थ्री, ये थ्री लाइंस फर्स्ट नंबर के लिए हैं, और नेक्स्ट कितनी लाइंस लगानी है आपने फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री दीज लाइंस एंड फाइव दीज लाइंस, टोटल लाइंस कितनी बन गई आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लाइंस। इसी तरह आपने जितना यहां पर लाइंस का नंबर बना है वही नंबर आपने यहां पर राइट कर देना है। तो ये तो था हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। अब इसी तरह वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल का भी सेम प्रोसीजर है, ऐड करने का तरीका सेम ही है, बट उनका राइट इनको हम लोगों ने राइट डिफरेंट वे में राइट कर देना है। देखें आपके पास वंस 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 को हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर कौन सा है थ्री, और सेकंड नंबर कौन सा है फाइव, तो आपके पास क्या चीज बनी थ्री प्लस फाइव एट। अगर आप प्लेस वैल्यू के थ्रू करना चाहें इस तरह कर लें, ये सर्कल्स बना लें, या फिर फिंगर्स का मैंने आपको बताया फिंगर्स यूज कर लें, या फिर आप इस तरह डायरेक्ट करने के बाद इन लाइंस को भी यूज कर सकते हैं, करने के बाद इस तरह आपने इनको राइट कर देना है। जो जिस जो बुक में यूज हुआ हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ये सिर्फ आपने समझने के लिए, अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है एडिशन नहीं हो रही तो आपने इस तरह यूज कर लेना प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके वंस बनाए और उनको काउंट करके एड कर लें, या फिंगर्स यूज कर लें, या फिर ये लाइंस यूज कर लें, उनको यूज करने के बाद आप इनको एड कर सकते हैं। अब ये तो थे आपके पास वन डिजिट नंबर्स, टू वन डिजिट नंबर्स जिनको हम लोगों ने ऐड किया। सिमिलरली आपके पास जब नंबर एक वन डिजिट हो और एक टू डिजिट नंबर हो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं फाइव द सम ऑफ ट्वेल्व एंड सिक्स, ये वाले ये टू नंबर्स हैं। पहला नंबर आपके पास कौन सा है ये है, सेकंड नंबर कौन सा है ये है। मेथड मैंने आपको बताया है, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। सबसे पहला काम देखिए जरा, ये वर्टिकल मेथड है, मेथड ये आपके पास वंस आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास टेंस। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने देखनी है कि आपके पास पहला नंबर ट्वेल्व है, मीन्स जब आप 12 लिखेंगे तो 12 के साथ ये चीज आ जाएगी आपके पास टू। इसका मतलब है आपके पास टू जो है सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स हैं और वन स्टार है टेंस वाला, ये चीज आपने पहले सीखी हुई है। तो इसका मतलब है आपके पास
ये चीज बन गई 12। और दूसरे पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे कि 6 आपके पास सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1। तो ये इन सबको काउंट करें, पहले इस चीज को देखें, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है जब हम लोग सर्कल्स और वंस यूज करते थे कि किस तरह हमारे पास बनता है, जब रिजल्ट बनेगा। इनको ऐड किया तो क्या बना, ऑल टुगेदर वंस वाली प्लेसेस को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो ये आपके पास बन गए 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये आपके पास 8 बन गए। अब ये जो 1 सर्कल स्टार बचा था ये एज इट इज रह गया। एज इट इज का मतलब यहां पर इसको नीचे ऐसे ही ले आएंगे तो आपके पास 10 वाला जो स्टार होगा वो वैसे ही बन जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर बनता है आपके पास ये चीज बन जाती है 1 and then 8। इनको काउंट करें और नीचे राइट कर दें, इसको काउंट करें नीचे राइट कर दें, तो ये नंबर आपके पास बनता है 18। सिमिलरली ये तो था, आपने इसको इस ये चीज कंसीडर करनी है अगर कहीं पे नहीं समझ आती, जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, वंस टेंस, तो क्या बनेगा, आपने इन नंबर्स को ऐसे राइट कर देना 1 2 and then 6, ऐड किया, जस्ट ऐड द वंस प्लेस डिजिट्स, सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। देखें फिंगर्स के थ्रू काउंट कर लें या लाइंस लगा लें, 2 है पहले 2 लाइंस लगा लें, आगे उसके बाद 6 है 6 लाइंस लगा लें, 4 5 6। अब इन टोटल लाइंस को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी लाइंस नीचे राइट कर दें, अगेन आपके पास ये 1 बच जाता है, उसको एज इट इज राइट कर दें। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये 2 digit number विद 1 digit number, ये एडिशन आपके पास कंप्लीट होगी। इस तरह के मजीद एग्जांपल्स हम लोग बुक में से करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के वर्टिकल मेथड को जब हम लोग राइट करेंगे तो किस तरह 12 plus हॉरिजेंटल मेथड को, तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा 8, हेंस ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है। तो सिमिलरली जब आप किसी 2 digit number को दूसरे 2 digit number के साथ ऐड करते हैं, तो इसी एग्जांपल को मैं जरा चेंज कर देता हूं, यहां पर ये 6 है, इस नंबर को 12, ये भी 2 digit number है, यहां पर भी मैं एक 2 digit number लेता हूं, ये 32 है, मैंने कौन सा नंबर लिया 32, मींस के ऊपर वाला फर्स्ट नंबर यही रहने दिया, 32 को चेंज कर दूंगा। तो जब मैं 32 को चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, देखते हैं। सेम आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास जब ये तो आपके पास 12 था, ये आपने 12 बनाया हुआ है, आपने नया बनाना है इस तरह के एग्जांपल्स, क्योंकि आप नोटबुक के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आपके पास क्या चीज बनती है, 12 है, 12 ये बन गया 32, मींस के 2 आपके पास सर्कल होंगे ये वंस वाले, और 3 जो है वो स्टार्स होंगे 10 वाले, ये 10, ये 10 और ये 10, तो ये बन गया आपके पास। अब इन सब को काउंट करें
और देखें कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 स्टार्स हैं, ये टेंस वाले। जब मैंने काउंट किए तो टोटल स्टार्स मेरे पास ये चीज बनी। नेक्स्ट जब मैंने इनको काउंट किया तो ये कितने बने मेरे पास, 4 सर्कल्स, 1, 1, 1, 1, देखें ये मेरे पास बन गए। मींस के अब यहां पर मैं क्या राइट करूंगा, इसके नीचे भी 4, ये भी 4, तो कितने बने, 44। तो अब इसको अगर मैं 32 को यहां पर ऐड करूं, पहले वंस वाले नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करने का मेथड मैंने बता दिया है आपको, 2 फिंगर्स प्लस 2 फिंगर्स 4 फिंगर्स, देन आपने यहां पर 4 राइट कर देना है। यहां पर देखें 3 फिंगर्स एंड देन प्लस 1 फिंगर, तो मेरे पास कितनी बन गई, इनको आपस में ऐड कर दें 4, तो 44। जब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल वे में राइट करेंगे वो इस तरह होगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रोसीजर याद रखना है, इसी प्रोसीजर के थ्रू जितने भी आपके पास एग्जांपल्स हैं या आपके पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो इसी प्रोसीजर के थ्रू करने हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वो क्या, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे उस वक्त आपने ये मेथड याद रखना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है अपने क्वेश्चन की, फिर आपने उसको प्लान करना है कि किस तरह उसको सॉल्व किया जाए और कौन सा वे मैं अप्लाई करूं तो वो सॉल्व हो, देन आपने सॉल्यूशन करना है एंड देन एट द एंड अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना है। तो ये प्रोसीजर आपने अपनाना है, ये वेज जो है 4 मींस के सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करें और उनको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप करें, ब्रेक करने के बाद उसको प्लान करें कि मैं कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर कौन सा प्रोसीजर यूज करूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एंड देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब यहां पर आपने इसको सॉल्व किया, यहां पर जो प्रोसीजर मैंने यहां पर आपको बताया था, एंड देन चेक, आपने अपने सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लेना है। तो स्टूडेंट्स चलिए बुक की तरफ चलते हैं, वहां पर हम लोग एग्जाम्पल्स और कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पर प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, आपने सेम वही प्रोसीजर यूज करना है और इन एग्जांपल्स को करना है। एग्जांपल 1 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 13 एंड 2, वहां पर जो प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल्स एंड स्टार्स वाला जो वन सर्कल थे और स्टार्स जो मैंने यूज किया था वो इसलिए किया था ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। अब यहां पर हम लोग सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे कि वन डिजिट नंबर में मैंने आपको बताया था कि वन डिजिट किस तरह करते हैं, वन डिजिट नंबर्स को आपस में किस तरह ऐड करते हैं और फिर टू डिजिट नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं। वंस वाली प्लेसेस को जब आप वन डिजिट नंबर को ऐड करते हैं तो वंस वाली प्लेसेस को ऐड कर देंगे, इसी तरह जब आपने टू डिजिट नंबर को विद वन डिजिट नंबर ऐड करते हैं तो हम लोग वंस वाली प्लेसेस को वंस में ऐड करेंगे, फिर टेंस को टेंस के साथ। प्रोसीजर वही है जो हम मैंने आपको बोर्ड पे बताया है कि आपने सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लेना है, सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट में। वहां पर आप स्टार्स और सर्कल्स यूज नहीं करेंगे जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर काम करेंगे। तो अब यहां पर देखें कि आपके पास 13 है, 13 में हाउ मेनी वंस, 3 वंस 1 10 मींस 1 10 एंड 3 वंस। सिमिलरली आपके पास नंबर 2 है वो वन डिजिट है वो वंस के नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या बना, 2 0 10s है यहां पे और 2 1s है, तो हमने वंस वंस को ऐड कर देना है, वंस वाले 3 प्लस 2 फिंगर्स के साथ ऐड करें, जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया है बोर्ड पे वैसे ही
आपने थ्री और टू में ऐड किया, थ्री फिंगर्स प्लस टू फिंगर्स आपके पास फाइव फिंगर्स बन जाती हैं। फोर फिंगर्स मीन एंड वन टो वन थंब जो है ये चीज आपके पास बन जाती है। अब आपके पास फाइव वंस बन गए, मीन्स के आपने फिर आपने हाथों को यूज करना है, वन में जीरो फिंगर, वन फिंगर में जीरो फिंगर ऐड की तो आपके पास कितना बन गया, वन टेन, टेन वाली प्लेस पे राइट कर दें। तो इस तरह थर्टीन प्लस टू जो मिलकर हमारे पास बनता है वो फिफ्टीन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर टू, वो भी ऐसे ही करनी है आपने। आपके पास उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है जो कि आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, बी और सी पार्ट आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। देखें जरा, आपने क्या करना है, वंस प्लेसेस को ऐड करना है, फिर टेंस को ऐड कर देना है। तो फोर प्लस टू आपके पास सिक्स है, टू प्लस जीरो आपके पास टू है। सिमिलरली आपने बी और सी पार्ट कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, 37। यहां पर देखें कि हमने अब क्या किया है कि टेंस के साथ एडिशन की है, टू डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया है विद टेन, वन और जीरो। मींस के जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में किया कि आपने जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर गिवन नंबर्स राइट कर लिए, सेम प्रोसीजर वही यूज करना है आपने। लेकिन ये वाला जो मेथड है जो हम लोग अभी कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री और टू में जो किया है, इसको वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं। पहले नंबर के नीचे दूसरा नंबर आप राइट कर देते हैं, पहला नंबर आपके पास 13 है, दूसरा 10 है, तो आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में 13 ऊपर राइट कर दिया, 10 नीचे राइट किया, और वंस को आपस में ऐड किया, एंड देन आपने टेंस को आपस में ऐड किया। 3 प्लस 0 आपके पास 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इसी तरह आपके पास ये रिजल्ट बन गया, तो सो 13 एंड 10 इज 23। सिमिलरली आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को करना है, बट एक चीज याद रखनी है कि यहां पर मैंने आपको बोर्ड पे जब आप एडिशन कर रहे थे उस वक्त भी बताया था कि एडिशन के टू मेथड्स होते हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन होता है और दूसरा हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन में हम जो है प्लेस वैल्यू, टू प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, मीन्स जितने नंबर गिवन होंगे जिनको एड करना होगा उतने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं और वन बाय वन उनमें नंबर्स को पुट इन कर देते हैं। तो अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 35 एंड 10। इसमें देखें कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, 35 में कितने टेन्स हैं कितने वंस हैं, 10 के अंदर कितने टेन्स हैं कितने वंस हैं, वो आपने नोट कर लेने। फिर आपने एक प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट वाला ये बनाया जिस तरह बना हुआ है 35 के लिए, तो वंस के नीचे 5 और टेन्स के नीचे 3। सिमिलरली प्लस का साइन लगाए एंड देन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और फिर आप इस तरह इसको राइट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो ब्लैक एरो लाइन नजर आ रही है आपको, इसमें क्या करेंगे, 5 प्लस 0 मींस के आपने वंस प्लेसेस वाले नंबर्स को पहले ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या बन गया, 5 प्लस 0 5। अब नेक्स्ट स्टेप को देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 में 1 ऐड करना है क्योंकि टेंस प्लेसेस वाले डिजिट्स को आप ऐड करेंगे। देखें जरा, 3 प्लस 1 मींस 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो आपके पास ये चीज बन गई, टेंस को आपने ऐड किया। आप फिर आप टेंस और वंस आपको पता चल गया कि ये 45 बनता है, जब मिलाकर उनको रीड करेंगे तो आपके पास 45 बनता है। तो अब हम लोग इसको इस तरह राइट कर देते हैं, कंबाइन द सम ऑफ 35 एंड 10 इज 45। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली जिस तरह आपने एग्जाम्पल 4 की और एग्जाम्पल 3 की, इसी तरह आपने एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट करनी है। करना क्या है, मेथड वही है जो मैंने अभी आपको इन एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल 5 में देखें, पार्ट ए आपके पास गिवन है और उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को किया है स्टेप वाइज। अब आप नेक्स्ट देखें कि एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, टू डिजिट नंबर्स के साथ आपने 10 को ऐड किया था, अब हम लोग टू डिजिट नंबर को विद टू डिजिट नंबर्स ऐड कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर। एडिशन, ऐड नंबर्स,
एट टू डिजिट नंबर विद अ टू डिजिट नंबर। देखिए जरा यहां पर 48 टू डिजिट है, 31 टू डिजिट है, सेम प्रोसीजर जो आपने पिछले एग्जांपल्स में यूज किया है 4, 5 में। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और उनमें पहले वर्टिकल फॉर्म में ये एक पहला नंबर राइट कर दिया, फिर दूसरा नंबर राइट किया, वंस को ऐड किया आपस में, वंस 8+1 कितने होते हैं 9 एंड 4+3 फिर टेंस को ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना बना 4+3 इज 7। ये वंस की एडिशन और ये टेंस की एडिशन। तो इस तरह जब आप कंप्लीट रिजल्ट राइट करेंगे वो आपके पास ये बनेगा 79। सो द सम ऑफ 48 एंड 31 इज 79। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेज नंबर 39। यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपने वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो चीजें याद रखनी है वो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए उसको आपने 4 स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये स्टेप आप अपने पास याद रखें, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको इन 4 स्टेप्स में आपने सॉल्व करना है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। देखिए स्टेटमेंट जब आप पढ़ते जाएंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, समझ आ जाएगी, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। जहां में राबिया हैज 13 कैंडीज एंड लाइबा हैज 5 कैंडीज, यहां पर आपके पास एक पोर्शन जो है स्टेटमेंट का कंप्लीट हो जाता है। ये तो पता चल गया है कि राबिया के पास 13 कैंडीज है और लाइबा के पास 5 कैंडीज है, तो अब यहां पर करना क्या है, हमने रीड कर रहे हैं स्टेटमेंट को। देन हाउ मेनी कैंडीज राबिया एंड लाइबा हैव ऑल टूगेदर, दोनों के पास मिलाकर कैंडीज कितनी बनती है। यहां पर वर्ड ऑल टूगेदर आ जाए या फाइंड द सम हमने यूज करना हो तो वहां पर आपने एडिशन करनी होती है। तो अब आपने प्लानिंग करनी है, रीड तो आपने स्टेटमेंट को कर लिया, आपने देखा कि कैंडीज किस किस के पास कितनी है और फाइंड कितनी करनी है, क्या करना है यह भी पता चल गया। अब इसकी प्लानिंग करें कि किस तरह करना है। प्लानिंग में यह चीज आएगी कि आपने इनको किस ऑर्डर में राइट करना है, पहला नंबर कौन सा राइट करना है, दूसरा नंबर कौन सा राइट करना है, एंड देन उसमें प्रोसेस क्या करना है कि आप उसको सॉल्व कर सके। जब आप यह चीज प्लानिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने सॉल्यूशन करना है, उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मींस के यहां पर राबिया के पास कितनी कैंडीज हैं 13, ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया, उसके अंदर आपने नंबर्स को पुट इन कर दिया। एंड देन लाइबा के पास कितनी कैंडीज हैं 5, ये कैंडीज काउंट कर लें, ये 13 है राबिया के पास और लाइबा के पास 5 है, तो हम दोनों को एड करेंगे, 3+5 कितने हो गए 8, सॉरी 1+0 कितने हो गए आपके पास 1। तो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करना था वो चेक करना था कि दोनों के पास कितने कैंडीज हैं, तो टोटल कैंडीज जो हैं वो 18 बनती हैं दोनों के पास। सो दे हैव 18 कैंडीज ऑल टुगेदर। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ, पेज नंबर 40 के ऊपर एक्सरसाइज 2A, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने बुक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं एग्जांपल्स के तौर पे। अब यहां पर प्रोसीजर वही है, पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है। अब देखें स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, एड द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब यहां पर देखें वंस को ऐड किया तो 5 बन गया, 4+1 5, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए उसको 1 को एज इट इज नीचे साथ राइट कर देंगे, तो 11+4 इज इक्वल टू 15 बनता है। सो हमने यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली आपने बी सी डी ई एंड एफ पार्ट जो है ये बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एड द फॉलोइंग नंबर्स,
फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। बिल्कुल वैसे ही है कि आपने ए पार्ट में देखें कि आपने वन वाली प्लेसेज ऐड कर देनी है, फिर टेंथ वाली ऐड कर देनी है। सेवन प्लस जीरो कितना हो गया? सेवन। वन प्लस वन कितना हो गया? टू। तो आपके पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट भी कंप्लीट कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपने मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन आपके पास किया हुआ है। अब यहां पर देखें कि थ्री है प्लस फोर है, ये कितना है? थ्री प्लस फोर सेवन है। मीन्स के थ्री प्लस थ्री में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करूं तो मेरे पास सेवन बनता है, ओनली फोर ऐड करूंगा। अब बी पार्ट देखें, फाइव है, फाइव में कौन सा नंबर ऐसा मैं ऐड करूं तो मेरे पास नाइन बने। तो आप इसका सिंपल प्रोसीजर यह है कि आप पहले फाइव लाइंस बना लें, फाइव लाइंस, फाइव आपने नाइन तक जाना है ये लाइंस बनाते हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आपने एक्स्ट्रा लाइंस कितनी ऐड की? ये फोर। जितनी लाइंस ऐड की उतना आप नंबर यहां पे राइट कर दें, तो आपके पास फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन। सिमिलरली अब आप देखें सेवन की तरफ जाएं, अपने साइड पे रफ पेज पे लाइंस लगाएं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक मैं चला गया, आगे अगेन लाइनें लगाते जाएं, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो सेवन के बाद कितनी लाइनें आपने और लगानी पड़ी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यहां से आगे देखें कितनी लाइन है, इनको काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मुझे सिक्स लाइंस लगानी पड़ी। तो वो जो नंबर मिस हुआ वो सिक्स यहां पर हमने राइट कर दिया। तो सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर फोर के कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। इसमें क्या है, आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म की एडिशन है, वो आपने कंप्लीट करनी है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने एग्जाम्पल की है। ए पार्ट आपके पास गिव सॉल्व्ड है, देखें 5 प्लस फोर नाइन एंड 1 प्लस टू थ्री, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने देखना है। इसमें देखें जरा क्या चीज है, यहां पे सिक्स में वर्ड प्रॉब्लम है, जारा हैज 35 बॉल्स एंड वकार हैज 14 बॉल्स। अब देखें कितनी कितनी बॉल्स हैं किसके पास, हाउ मेनी बॉल्स दे हैव ऑल टुगेदर। जारा के पास नंबर ऑफ बॉल्स यहां पर राइट करें इस प्लेस वैल्यू चार्ट में, वकार के पास वाली काउंट करें और यहां पर राइट कर दें, या ऊपर वाला नंबर देख के राइट कर दें और उनको सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, टोटल बॉल्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कबुक की तरफ। पेज नंबर 27 एंड 28 है, एग्जाम्पल नंबर टू है 27 पेज के ऊपर। यह भी वर्ड प्रॉब्लम है, यह बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह हमने एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज के अंदर की थी। आपने वर्कबुक का काम और टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है या उनको खुद जाकर चेक करवाना है। अली हैज 15 टॉयज एंड सिद्रा हैज 21 टॉयज, हाउ मेनी टॉयज अली एंड सिद्रा हैव ऑल टुगेदर। यहां पर भी ऑल टुगेदर का वर्ड है, इसका मतलब हमने टोटल टॉयज फाइंड करने हैं। तो मीन्स पहला वर्ड नंबर ऊपर और फिर ये वाला 21 नीचे राइट कर दिया। तो अली हैज 15 टॉयज, सिद्रा हैज 21 टॉयज। वंस वाली प्लेसेस को ऐड किया तो 5 प्लस 1 6 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया टेंथ वाली प्लेसेस पे। सो टोटल टॉयज 36। तो स्टूडेंट्स अब एक आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपनी मदर के साथ और उनके नीचे यहां पर सर्टिफिकेट पे साइन करवाने हैं। राइट द पॉकेट मनी यू टुक फ्रॉम योर मदर इन द लास्ट टू डेज ऑफ दिस वीक, फाइंड द सम ऑफ मनी यू टुक फॉर टू डेज। करना क्या है, आप अपने मदर से दो दिन की कितने पैसे लेते हैं स्कूल आने के लिए, पॉकेट मनी कितनी है, तो टू डेज के लिए आपने राइट करनी है। यहां पर डे का नाम राइट करना है, यहां पर दूसरे डे का नाम, सपोज यहां पर मंडे है, मंडे राइट कर दें, यहां पर ट्यूसडे राइट कर दें, जो भी आपका पार्टिकुलर डे है उसको अपनी बुक के ऊपर राइट करना है। एंड देन यहां पर पॉकेट मनी राइट करनी है और फिर उनका सम फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स
अब आ रहे हैं पेज नंबर 29 एंड 30 के ऊपर। यहां पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। जिस तरह आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट की, इसी तरह इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हर पार्ट की 2 ऑप्शन हैं, 2 में से 1 करेक्ट है, देखें कौन सी करेक्ट है। तो यू नीड टू सिलेक्ट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को 5, 6 एंड 7 आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर से इस सर्टिफिकेशन के ऊपर साइन करवा लेना है।